यूरोप में कौम परस्ती का उरूज एक में फ्रांसीसी फनकार फ्रेडरिक सोरियो ने चार का एक सिलसिला तैयार किया प्रिंट्स जमहूरी से बनी दुनिया के अपने ख्वाब को देखते हैं और समाजी जमहूरिया जैसा कि इसने उन्हें बुलाया था पहला प्रिंट तस्वीर एक सीरीज यूरोप और अमेरिका के अवाम को दिखाता है मर्द और खौन हर उम्र और मुआरती तबकत की एक लंबी ट्रेन में मार्च करना और पेशकश जब वो इसके पास से गुजरते हैं तो मुजस्मा आज़ादी को खराज अकीदत जैसा कि अब करेंगे याद रखें फ्रांसीसी इनकालब के ज़माने के फनकारों ने लिबर्टी को शख्सी बनाया एक खातून शख्सियत के तौर पर यहां आप रोशन ख्याली के मशल को पहचान सकते हैं वो एक हाथ में और इंसान के हुकूक के चार्टर में है दूसरा शबी के पेश में ज़मीन पर बिखरे हुए हैं मुतलक अलान इदारों की अलामतों की बाक़ियात सोरियो में यूटोपेविजन दुनिया के अवाम को अलग अलग के तौर पर ग्रुप किया गया है कौमें जिनकी शनाख्त उनके झंडों और कौमी लिबास के जरिए की गई है मरूफ जुलूस मुजस्मा आज़ादी से गुजरने का रास्ता रियासतहाय मुत अमरीका है और स्विट्ज़रलैंड जो उस वक्त तक पहले ही कौमी रियासतें थे फ्रांस इनकलाबी तिरंगा के जरिया काबिल शनाख्त अभी मुजस्मे तक पहुंचा है इसके बाद जर्मनी के अवाम सिया सुर्ख रंग के साथ हैं और सोने का झंडा दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त जब सौरियो ने ये तख्लीक किया था शबी जर्मन अवाम अभी तक मुतहदा कौम के तौर पर मौजूद नहीं थे वो जो परचम उठाते हैं वो एक हज़ार आठ सौ अड़तालीस में आज़ाद ख्याल उम्मीदों का इजहार ताका उनको मुतहद किया जा सके मुतद जर्मन बोलने वाले प्रिंसिपल्स एक कौमी रियासत के तहत एक जमहूरी आइन जर्मन अवाम के बाद ही वो हैं ऑस्ट्रिया के अवाम दो सिसलूहे की बादशाही लोम्बार्डी पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी और रोस आसमानों से ऊपर मसीह संत और फरिश्ते मंजर पर निगाह डालते हैं उनके पास है फनकार की तरफ से बरादरी की अलामत के लिए इस्तेमाल किया गया था दुनिया ये बाब सौरियो के जरिया तसवर करदा बहुत से उमूर से निपटाएगा अंजीर में एक उन्नीसवीं सदी के दौरान कौम परस्ती एक के तौर पर उभर कर सामने आई ऐसी ताकत जिसने सियासी और सियासी में तेजी से तब्दीलियां लाईं यूरोप की जहनी दुनिया इन तब्दीलियों का आखिरी नतीजा था कसर कौमी खानदान की जगह कौमी रियासत का जहूर यूरोप की सल्तनतें एक जदीद रियासत का तसवुर और तरीककार में जिसने एक मरकजी ताकत ने वाज तौर पर खुदमुख्तार कंट्रोल का इस्तेमाल किया मुतन इलाका तवील अरसे से तरक्की कर रहा था यूरोप में लेकिन एक कौमी रियासत एक थी जिसमें इसकी अक्सरियत थी शहरी और न सिर्फ़ इसके हुक्मरान मुश्तरक एहसास पैदा करने आए शनाख्त और मुश्तरका तारीख़ा नज़ुल ये मुश्तरक नहीं थीं कदीम ज़माने से मौजूद हैं ये जिदोजहद के जरिए जाली था रहनुमाओं और आम लोगों के इकदाम ये बाब होगा मुतनबे अमलों को देखें जिसके जरिए कॉम की रियासतें और उन्नीसवीं सदी के यूरोप में कौम परस्ती वजूद में आई एक फ़्रांसी इनकलाब और कौम का नजरिया कौम परस्ती का पहला वाज इजहार सामने आया एक साथ आठ नौ में फ्रांसीसी इनकलाब फ्रांस अब की हैसियत से याद रखना एक मुकम्मल इलाकई रियासत थी एक मतलब बादशाह की हुक्मरानी के तहत एक हजार सात सौ नवासी में सियासी और आइनी तब्दीलियां जो आएं फ्रांसीसी इनकलाब के तनाजर में इसकी वजह से हुआ बादशाहत से खुदमुख्तारी की मुंतकली फ्रांसीसी शहरियों की लाश इनकलाब का ऐलान कि ये वो लोग थे जो अब तक करेंगे कौम की तश्कील और उसकी तकदीर की तश्कील करें शुरू ही से फ़्रांसी इनकलाबी मुख्तलफ इकदाम और तरीक़कार मुतारफ़ करवाए गए जो इज्तमी शनाख्त का एहसास पैदा कर सकता है फ्रांसी अवाम लापीटरी के ख्याल आबाई वतन और ली साइटवें शहरी ने ज़ोर दिया एक मतदा बरदरी का तस्वुर जो मसावी हक़क़ से लुत्फानदोज हो रहा है आइन एक नया फ्रांसी परचम तरंगा को तब्दील करने के लिए मन्तखब किया गया था सबका शाही मैार स्टेटस जनरल का इंतखा स्टेटस जनरल ने किया था फ़ाल शहरी का जिसम और कौमी असम्बली का नाम तब्दील कर दिया नया तस्बीहें मुरतब की गईं हल्फ लिया गया और शहदा की याद मनाई गई ये सब कौम के नाम पर एक मरकजी इंतज़ामी निज़ाम रखा गया था और उसने तमाम शहरीों के लिए यकसांवानी वज़ा किए थे इसके इलाक़े में दाखिली कस्टम ड्यूटी और वाजिबात ख़त्म कर दिए गए थे और वज़न और इकदाम का यकसा निज़ाम अपनाया गया इलाक़ाई बोलियों की हौसला शिकनी और फ़्रांसी थी जैसा कि कहा जाता था और पेरिस में लिखा गया कौम की मुश्तरक ज़बान बन गया इनकलाबियों ने मज़ीद एलान किया कि ये मिशन था और यूरोप के अवाम को आज़ाद करने के लिए फ़्रांसी कौम का मुक़दर आमरीत से दूसरे अल्फ़ाज में यूरोप के दूसरे लोगों की मदद करना अकवाम बनने के लिए जब फ्रांस में होने वाले वाकयात की खबर मुख्तलिफ शहरों तक पहुंची यूरोप तलबा और तालीम याफ्ता मुतवसत तबके के दीगर मम्बरान जैकबैन क्लब कायम करना शुरू किया उनकी सरगर्मियां और मुहिम हालैंड में मुंतकिल होने वाली फ्रांसीसी फौजों के लिए रास्ता तैयार किया एक, एक हज़ार सात सौ नब्बे की दहाई में बेल्जियम स्विट्जरलैंड और इटली का बेशतर हिस्सा के साथ इनकलाबी जंगों का आगाज फ्रांसी फ़ौजों ने शुरू किया बैरून मुल्क कौम परस्ती का ख़्याल रखें इस इलाक़े के वसी वरीज़ इलाक़े के अंदर जो उसके ज़ेर कंट्रोल था ए नपोलियन ने बहुत सारी असलाहत मुतारफ़ कराने के बारे में फ़ैसला किया जो उनके पास थी फ़्रांस में पहले ही मुतारफ़ कराया गया है बादशाहत में वापसी के ज़रिए इसमें कोई शक नहीं नपोलियन ने फ़्रांस में जमहूरियत को तबाह कर दिया था लेकिन मैं इंतज़ामी मैदान जिसने इसने इनकलाबी असूलों को शामिल किया था पूरे निज़ाम को ज़्यादा अकली और मौसर बनाने के लिए सिविल कोड 1804 हज़ार आठ आमतौर पर नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है पैदाइश कायम मसावत की बुनियाद पर तमाम मुराद को ख़त्म कर दिया क़ानून से पहले और जायदाद का हक हासिल कर लिया ये जबता था फ्रांसीसी कंट्रोल में इलाकों को बरामद किया गया जमहूरिया डिच में स्विट्ज़रलैंड में इटली और जर्मनी में नपोलियन को आसान बनाया गया इंतजामी डिवीजनों ने जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म कर दिया और आज़ाद किया डोम और मेनूरेल वाजिबात के किसान शहरों में भी गिल्ड पाबंदियां ख़त्म कर दी गईं, नकलोह हमल और मुआसलात के निजाम बेहतर बनाया गया था किसान कारीगर कारकुन और ताजर, नए ताजिर एक नई आज़ादी हासिल की ताजिर और छोटे पैमाने पर ख़ास तौर पर सामान तैयार करने वालों को ये एहसास होना शुरू हुआ कि यकसां कवान म्यारी वजन और इकदाम और एक मुश्तरकौमी करंसी सामान की नकलो हरकत और तबादले में सहूलत फ़राहम करेगी और एक ख़त्ते से दूसरे ख़त्े में दारुलहकूमत ताहम फतेशा इलाकों में मकामी के रदमल फ्रांसीसी हुक्मरानी की आबादी मखलूत थी इब्तदाई तौर पर बहुत सारी जगहों पर ऐसी जैसा कि हालण्ड और स्विट्जरलैंड के साथ साथ बर्सल्स जैसे कुछ शहरों में मेन्स मेलान और वारसा फ़्रांसी फ़ौजों का खैर मकदम किया गया आज़ादी के शिकार लेकिन इब्तई जोश व खुरूश जल्द ही दुश्मनी का बायस बना और जैसा कि यह वाजे हो गया कि नए इंतज़ामी इंतज़ाम नहीं हुए सियासी आज़ादी के साथ मिलकर काम करें टैक्स में इजाफ़ा सेंसरशिप फ्रांसीसी फ़ौजों में ज़बरदस्ती शमूलियत की ज़रूरत है बाकी यूरोप को फ़तह करें ऐसा लगता है कि सब फवाइद से कहीं ज़्यादा हैं इंतज़ामी तब्दीलियों की अंजीर चार जर्मनी के शहर ज़ुबिरकिन में दरख्त आज़ादी की पौधे लगाना जर्मन पेंटर कार्लकासपर फ्रिट्स के इस रंगीन प्रिंट का मौजू हुई ब्रकिन शहर पर कब्ज़ा है फ़्रांसीसी फ़ौजों के जरिया फ्रांसीसी फ़ौजी जो उनके नीले सफ़ेद और सुर्ख रंग की वर्दियों के ज़रिया काबिल शनाख़्त हैं को पेश किया गया है मजलूम जब वो किसान की टोकरी बाएं पर कब्ज़ा करते हैं कुछ नौजवान खवातन मरकज़ पेश मंजर को हरासा करते हैं और किसान को ज़बरदस्ती मजबूर करते हैं नीचे इसके घुटनों तक दरख्त ऑफ लिबर्टी से लगा हुआ तख्ती में एक जर्मन तहरीर है जो तर्जमा में है पड़ता है इंसानियत के मॉडल हमसे आज़ादी और मसावत लें ये दावे के दावे का तंजिया हवाला है फ़्रांसीसी आज़ाद ख्याल होने के नाते जिन्होंने दाखिल होने वाले इलाक़ों में बादशाहत की मुखालफत की अंजीर पांच राइन का कोरियर वो सब खो देता है वो लिप्जिक से घर जाते हुए हैं यहाँ नपोलियन को पोस्टमैन की हैसियत से नुमाइंदगी की जाती है जन हारने के बाद फ्रांस वापस जाने का रास्ता लिब्जिग 1813 में हर ख़त से बाहर निकलता है बैग उन इलाकों के नाम रखता है जो उसने खो दिया था दो यूरोप में कौम परस्ती का आगाज अगर आप अट्ठारहवें सदी के वस्त यूरोप के नक्शे पर नजर डालेंगे तो आप करेंगे मालूम करें कि आज हम उनको जानते हैं कि नेशन स्टेटस नहीं थे जर्मनी इटली और स्विट्ज़रलैंड की हैसियत से आज हम किया जानते हैं रियासतों डवचीज़ और तोपों में तकसीम हुए जिनके हुक्मरानों के पास उनके हुक्मरान थे खुद मुख्तार इलाके मशरकी और वस्ती यूरोप के तहत थे इन इलाकों में खुद मुख्तार बादशाहतें जिनमें मतनवे रहते थे लोग उन्होंने खुद को इज्तमाही शनाख्त बांटने के तौर पर नहीं देखा एक मुश्तरका सकाफत अक्सर वो यहां तक के मुख्तलिफ़बाने भी बोलते थे और मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों से ताल्लुक रखता था कि बस सल्तनत मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर हुक्मरानी करने वाला इसका एक पेज था बहुत से मुख्तलिफ खत्ते और लोग इसमें अल्पाइन खत्ते शामिल थे टायरविल ऑस्ट्रिया और सिडीनलैंड नीज बोहिमिया जहां अश्राफिया बुनियादी तौर पर जर्मन बोलने वाले थे ये भी इतालवी बोलने वाले सूबों लिंबार और वेंटिया शामिल थे हंगरी में नस्फ आबादी मैगियार की बात करती थी जबकि दूसरी आधे ने मुख्तलिफ किस्म की बोलियाँ बोली गिलीशिया में अश्राफिया ने बात की पोलिश उन तीन गालिब ग्रुपों के अलावा वहां भी रहता था सल्तनत की हदूद मोजो किसान लोगों का एक बड़े पैमाने पर शुमाल में बोयमीन और सलोवाक्स कार्नियोला, करवटो में सिल्वोवैन जनूब में और ट्रांसलोवेनिया में मशरक़ में रोमनुस ऐसी तरह इख्तलाफात ने सियासी इतिहाद के एहसास को आसानी से फ़रोग नहीं दिया सिर्फ़ इन मतनवे गरोहों को एक साथ बांध देना एक आम बात थी शहनशाह से बैत कौम परस्ती और कौमी रियासत का ख़याल कैसे सामने आया दो अशारिया एक अरस्तू और नया मिडिल क्लास मुआशरती और सियासी तौर पर एक उतरा अशराफिया गालिब तबका था बर्रे आजम पर इस क्लास के मम्बरान एक दूसरे के जरिए मुतहद हो गए थे ज़िंदगी का मुश्तरक तरीक़ा जो इलाकई तकसीम को ख़त्म करता है उनकी मलकियत है दही इलाकों और टाउन हाउसेज में भी जायदादें उन्होंने फ्रांसीसी बात की सफारतकारी के मकासद और आला मुआरे में उनके कुंबे थे अक्सर शादी के तल्ल से मुनसलिक होता है ये ताकतवर अशराफिया था ताहम अददी तौर पर एक छोटा ग्रुप है आबादी की अक्सरियत किसानों से बना था मगरब में ज़मीन का ज्यादातर हिस्सा किरायादारों और छोटे मालिकान ने खेत में रखा था जबकि मशरकी और में वस्ती यूरोप में लैंड होल्डिंग का नमूना नुमाया था वसी अमला जिनकी काश्त सुरफ्स ने की थी कुछ अहम तारीखें एक सात नौ सात नपोलियन ने इटली पर हमला किया नीपोलिन जंगें शुरू 1814 1815 आठ का जवाल वियना अमन तस्फिया 1821 आजादी के लिए यूनानी जिदोजहद का आगाज होता है 1848 आट यूरोप में इंकलाबाद कारीगर सनती मजदूर और किसान बगावत के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं माशी मुश्किल मुतवस्त तबके मुतालबा के दस्तूर और नुमाइंदा हुकूमतें इतालवी जर्मन मैग्यारुतब चेक वग़ैरह कौमी रियासतों का मुतालबा करते हैं एक हज़ार आठ सौ उनसठ एक हज़ार आठ सौ सत्तर इटली का इतिहाद एक हज़ार आठ सौ छियासठ एक हज़ार आठ सौ इकहत्तर जर्मनी का इतिहाद एक हज़ार नौ सौ पांच सिलोकॉम परस्ती में ताक़त जमा करती है बसबर्ग और उस्मानी सल्तनतें मगरबी और वस्ती यूरोप के कुछ हिस्सों में सन्नती तरक्की पैदावार और तजारत का मतलब शहरों की तरक्की और जहूर था तजारती क्लासों की जिनका वजूद पैदावार पर मबनी था मार्केट के लिए सनती कारी का आगाज इंग्लैंड में दूसरे में हुआ अट्ठारहवीं सदी का नसफ लेकिन फ्रांस में और जर्मन के कुछ हिस्से बयान करता है कि ये सिर्फ उन्नीसवीं सदी के दौरान हुआ था इसके तनाजर में नए माशरती गोह वजूद में आए एक मेहनत किश तबके की आबादी और सनतकारों ताजिरों, पेशावर अफ़राद पर मुश्तमिलतवसत तबके वस्ती और मशरकी यूरोप में ये गिरो तादाद में छोटे थे 19वीं सदी के आखिर तक ये तालीम याफ़्ता लिबरल मिडिल में शामिल था ऐसी क्लासें जो कौमी इतिहाद के नज़रियात के ख़ात्मे के बाद हैं बुज़ुर्ग मुरात ने मकबूलियत हासिल की दो दो लिबरल नेशनलिज्म के लिए किया खड़ा हुआ उन्नीसवीं सदी के अवाइल में यूरोप में कौमी इतिहाद के नज़रियात क़रीब करीब थे लिबरल के नज़रिया से वस्ता अतलाह लिबरल इजम अखज की गई है लातीनी जड़ से आज़ाद मतलब मुफ्त नई मुतवसत तबके के लिए लिबरल इजम सबके फ़र्द और मसावत के लिए आज़ादी के लिए खड़ा था कानून से पहले सियासी तौर पर उसने हुकूमत के तसवुर पर जोर दिया रजामंदी से फ़्रांसीसी इनकलाब के बाद से लिबरल इजम के लिए खड़ा था ख़ुदमुख्तारी और मरात का खात्मा एक आइन और पार्लियामेंट के जरिए नुमाइंदा हुकूमत उन्नीसवीं सदी लिबरल्स ने निजी अमलाक की नाकबिल तस्खीर होने पर भी जोर दिया फिर भी कानून से पहले मसावत लाजमी तौर पर आफाकी के लिए खड़ी नहीं थी दम घुटने अबको याद होगा कि इनकलाबी फ्रांस में जिसने निशान जद किया है लिबरल जमहूरियत में पहला सियासी तजर्बा वोट डालने का हक़ और मंतखब होने के लिए खसूसी तौर पर जायदाद से चलने वाले मर्दों को दिया गया बगैर जायदाद के मर्द और तमाम खुवात को सियासी से खारिज कर दिया गया था हुकूक़ सिर्फ जैकबींस के तहत एक मुख्तसर मुद्दत के लिए तमाम बालग मर्दों ने किया परेशानी से लुफ्फ उठाई ताहम नीपोलिन कोड महदूद हो गया बदकारी और ख़्वातिन को नाबालिग की हैसियत से कम कर दिया जिससे मशरूत है बाप दादा और शोहरों का इख्तियार उन्नीसवीं के दौरान और बीसवीं सदी के अवाइल में ख़्वात और गैर माहिर मर्द मसावी सियासी हकूक का मुतालबा करने वाली हिजब इख्तिलाफ़ की मुनम तहरीकें माशी मैदान में लिबरल मार्केटों की आज़ादी के लिए खड़ा था और तहरीक पर रियाती मुसलत पाबंदियों का खात्मा सामान और सरमाए का उन्नीसवीं सदी के दौरान ये एक मजबूत था उभरती हुई मुतवसत तबके का मुतालबा आइए हम उसकी मिसाल लें उन्नीसवीं के पहले निसफ़ हिस्से में जर्मन बोलने वाले खित्ते सदी नपोलियन के इंतजामी इकदाम पैदा हो चुके थे इन गिनत छोटी सल्तनतें उनतालीस रियासतों का कन्फेडरेशन हर एक में से उनके पास अपनी करेंसी और वजन और इकदाम थे ए। ताजिर फ़रोख्त करने के लिए हैम्बर्ग से निवरम्बर्ग तक एक में सफ़र कर रहा है इसका सामान कस्टम की ग्यारह रुकावटों से गुजरना पड़ता और इनमें से हर एक पर तकरीबन पाँच पाँच फीसद कस्टम ड्यूटी अदा करें फराइज वजन या पैमाइश के मुताबिक अक्सर आयद किया जाता था सामान चूंकि हर खत्ते में वज़न और इकदाम का अपना निज़ाम मौजूद था और इसमें वक्त इस्तेमाल करने वाला हिसाब किताब शामिल है कपड़े की पैमाइश मिसाल के तौर पर वो एले थी जो हर खत्े में एक मुख्तलि के लिए खड़ी थी लंबाई फ्रैंकफर्ट में खरीदी गई टेक्सटाइल मटेरियल की एक एले आपको मिल जाएगी चून सात सेंटीमीटर कपड़ा मेन्स में पचपन अशारिया एक सेंटीमीटर नीवरम्बर्ग में पैंसठ अशारिया छः सेंटीमीटर में फ्रीबर्ग तिरपन अशारिया पांच सेंटीमीटर ऐसी शराइ को माशी तबादले की राह में हाई रुकावटों के तौर पर देखा गया था और नई तजारती क्लासों की तरक्की जिन्होंने बहस की मुतहद माशी इलाके की तश्ील जिससे किसी रुकावट की इजाज़त दी जा सामान लोगों और सरमाए की नकल व हरकत एक हज़ार आठ सौ चौंतीस में कस्टम यूनियन याजूलोरन पर्शिया के अकदाम पर तश्कील दिया गया था और इसमें शामिल हुआ था बेशर जर्मन रियासतें यूनियन ने टैरिफ रुकावटों को ख़त्म कर दिया और करंसियों की तादाद को तीस से दो से कम कर दिया रेलवे के नेटवर्क की तश्कील से नकल व हरकत को मजीद मुतहर किया गया माशी मफादत को कौमी इतिहाद के लिए इस्तेमाल करना लहर माशी कौम परस्ती ने वसी तर कौम परस्त जज्बात को तकवीत बख्शी इस वक्त बढ़ रहा है दो तीन एक हज़ार आठ सौ पंद्रह के बाद एक नया कदामत पसंदी एक हज़ार आठ सौ पंद्रह में नपोलियन की शिकस्त के बाद यूरोपी हुकूमतें कदामत पसंदी के जज्बे से कारफरमा थे कदामत पसंदों का ख्याल था जो कायम रियासत और माशरे के रिवायती इदारे जैसे बादशाहत चर्चमाशरती दर्जाबंदी जायदाद और कुंबा महफूज रखना चाहिए ताहम ज्यादातर कदामत पसंदों ने तजवीज़ नहीं की इनकलाब से पहले के दिनों के मुआरे में वापसी बल्कि उन्हें एहसास हुआ नपोलियन के जरिए शुरू की जाने वाली तब्दीलियों से कि जदीदकारी मुमकिन हो सकती है दरहकीक़त बादशाहत जैसे रिवायती इदारों को मजबूत बनाएं यह हो सकता है रियासती ताकत को ज्यादा मौसर और मजबूत बनाएं एक जदीद फौज एक मौसर ब्यूरोक्रेसी एक मतहरिकीशत जागीरदारी का खात्मा और सरफडोम यूरोप की खुद मुख्तार बादशाहत को मजबूत बना सकता है 1815 में यूरोपी ताकतों के नुमाइंदे बरतानिया रूस पर्शिया और आस्ट्रिया जिसने अज्तमी तौर पर नेपोलियन को शिकस्त दी थी से मुलाकात हुई वियना में यूरोप के लिए तस्फिया तैयार करने के लिए कांग्रेस थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरिच के जेर अहतमाम मंदूबीन माखसबी माहरीन मुआशियात ने कौमी के मामले में सोचना शुरू किया मीशत उन्होंने इस बारे में बात की कि कौम कैसे कर सकती है तरक्की और कौन से माशी इकदाम मदद कर सकते हैं इस कॉम को एक साथ जालसाजी करें फ़्रेडरिक लिस्ट इकनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेबजिन ने एक हज़ार आठ सौ चौंतीस में लिखा था जूलोरेन का मकसद जर्मनों को बांधना है माशी तौर पर एक कौम में इससे मज़बूत होगा कॉम अपनी हिफाजत करके मादी तौर पर इतनी ही कौम बैरूनी मफादत जैसे इसके अंदरूनी मुहरिक के ज़रिया पैदावरी इसे बेदार करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए इनफरादी के फ्यूजन के ज़रिया कौमी जज्बात और सूबाई मफादा जर्मन अवाम के पास है ये एहसास हुआ कि आज़ाद माशी निज़ाम ही है कौमी एहसास पैदा करने का मतलब है नए अल्फ़ाज़ कदामत पसंदी एक सियासी फ़लसफ़ा जो कायम करदा रवायत की अहमियत पर ज़ोर दिया इदारे और कस्टम और बतदरीज तरजी देते हैं तेजी से तब्दीली के लाम डेवलपमेंट तरक्की एक हजार आठ सौ पंद्रह के वाना के मुआदे को कालदम करार देने के मकसद से तैयार किया बेशतर तब्दीलियां जो यूरोप में यूरोप में रूनुमा हुई नीपोलिन जंगे बोरबन खानदान जिसे माजूल कर दिया गया था फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान इकतदार में बहाल हुआ और फ्रांस नपोलियन के तहत जो इलाके इसने मुंसिक किए थे वो खो गए रियासतों का एक सिलसिला फ्रांसीसी तोसी को रोकने के लिए फ्रांस की हदूद पर कायम किया गया था मुस्तबिल में इस तरह नीदरलैंड्स की बादशाही जिसमें शामिल है बेल्जियम शुमाल में कायम किया गया था और जेनीवा को पेडमोन्ट में शामिल किया गया था जुनूब में पर्शिया को अपने मगरबी इलाकों में अहम नए इलाके दिए गए थे महाजों जबकि ऑस्ट्रिया को शुमाली इटली का कंट्रोल दिया गया लेकिन जर्मन उनतालीस रियासतों का कन्फेडरेशन जो नपोलियन ने कायम किया था उचे अलिफ छोड़ दिया गया था मशरक़ में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया जबकि पर्शिया को सिक्सोनी का एक हिस्सा दिया गया था बुनियादी इरादा बादशाहतों की बहाली थी जिनका तख्ता पलट दिया गया था नपोलियन और यूरोप में एक नया कदामत पसंद ऑर्डर तश्कील दें एक हज़ार आठ सौ पंद्रह में कायम कदामत पसंद हुकूमतें खुद मुख्तार थीं उन्होंने नहीं किया तनकीद और अख्तलाफ राय को बर्दाश्त करें और उन सरगर्मियों को रोकने की कोशिश की ख़ुदमुख्तार हुकूमतों के कानूनी जवाज पर सवाल उठाया उनमें से बेशतर अखबार में जो कुछ कहा गया था इस पर काबू पाने के लिए सेंसरशिप के कवान नाफिज कर दिए गए किताबें ड्रामे और गाने और ख़यालत की अक्का करते हैं फ़्रांसी इनकलाब से वाबस्ता फ़्रांसी की याद बहरहाल इनकलाब लिबरल्स को मुतासर करता रहा एक अहम लिबरल कौम परस्तों के जरिया उठाए गए अमूर जिन्होंने नई तनकीद की कदामत पसंद हुक्म आज़ादी सहाफ़त था दो चार इनकलाबी एक हज़ार आठ सौ पन्द्रह के बाद के सालों के दौरान जब्र ख़ ख़ौफ ने बहुत सारे लोगों को भगा दिया जेर ज़मीन लिबरल कॉम परस्त बहुत से लोगों में खुफ़िया मुआरे फैल गए यूरोपी रियातें इनकलाबियों की तरबियत और अपने ख़्यालत को फैलाने के लिए करना इस वक्त इनकलाबी बने इसका मतलब मुखालफत करने का अहद था बादशाहत पसंद शक्लें जोवियाना के बाद कायम की गई थीं कांग्रेस और आज़ादी और आज़ादी के लिए लड़ना इनमें से बेशतर इनकलाबियों ने कौमी रियासतों की तश्ील को भी एक ज़रूरी के तौर पर देखा आज़ादी के लिए इस जिदोजहद का एक हिस्सा ऐसा ही एक फ़र्द इतालवी इनकलाबी जियोसफी मजनी था एक हज़ार आठ सौ सात में जिनीवा में पैदा हुए वो खुफ़िया मुआशरे का रुकन बन गया कार्बोनरी का चौबीस साल के नौजवान की हैसियत से इसे जलावतनी में भेजा गया लीगोरिया में इनकलाब की कोशिश करने पर 1831 इसके बाद इसकी बुनियाद रखी दो और ज़ेर ज़मीन मुआशरे पहले मासिलेस में यंग इटली और फिर बर्न में यंग यूरोप जिसके मेंबर हम खयाल थे पोलैंड फ़्रांस इटली और जर्मन रियासतों के नौजवान मजयनी का ख़याल था कि खुदा ने कौमों को फित्री होने का इरादा किया है बनी नौ इंसान की अकाइयाँ लिहाजा इटली का पेच नहीं बन सका छोटी रियासतें और बादशाहों इसे एक ही मुतह में जाली बनाना पड़ा अकवाम आलम के वसी इतिहाद के अंदर जमहूरिया ये इतिहाद पितालवी आजादी की बुनियाद हो सकती है इसके मॉडल के बाद खुफिया जर्मनी फ्रांस स्विट्जरलैंड और पोलैंड में मुआरे कायम थे माजिनी की बादशाहत की बेहद मुखालफत और उनके विजन के बारे में जमहूरी जमहूरिया ने कदामत पसंदों को खौफजदा कर दिया मेटरिच इसे हमारे माशरती ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन करार दिया तीन इनकलाबाद का दौर एक हजार आठ सौ तीस एक हजार आठ सौ अड़तालीस चूंकि कदामत पसंद हुकूमतों ने अपनी ताकत लिबरलज्म को मुस्तहकम करने की कोशिश की और कौम परस्ती इनकलाब के साथ तेजी से वाबस्ता हुई यूरोप के बहुत से इलाकों में जैसे इतालवी और जर्मन रियासतें सल्तनत ओस्मानिया आयरलैंड और पोलैंड के सूबे ये इनकलाबाद की क़़्यादत लिबरल कौम परस्तों ने की जिससे ताल्लुक़ है तालीम याफ्ता मुतवसत तबके के अशराफिया जिनमें प्रोफेसर स्कूल इस कलर्क और तजारती मुतवस तबके के मंबर थे पहली हलचल जुलाई एक हज़ार आठ सौ तीस में फ़्रांस में हुई बोरेबन वो बादशाह जो कदामत पसंद के दौरान इकतदार में बहाल हुए थे 1815 के बाद होने वाले रद अमल को अब लिबरल इनकलाबियों ने ख़त्म कर दिया जिसने लूस फिलिप के साथ आईनी बादशाहत कायम की थी सर जब फ्रांस छींकता है मेट्रिंस ने एक बार रिमार्क्स दिए बाकी यूरोप सर्दी से पकड़ता है जोलाई इनकलाब ने बगावत को जन्म दिया बर्सल्स जिसकी वजह से बेल्जियम मुतहदा से अलग हो गया हालैंड की बादशाही एक ऐसा वाकया जिसने तालीम याफ्ता अशराफ़िया के माबैन कॉम परस्त जज्बात को मुतहर किया पूरे यूरोप में आज़ादी की यूनानी जंग थी यूनान था पंद्रहवें सदी से सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा यूरोप में इनकलाबी कौम परस्ती की तरक्की ने एक जिदोजहद को जन्म दिया यूनानियों के दरमियान आज़ादी के लिए जो एक हज़ार आठ सौ इक्कीस में शुरू हुआ था यूनान में कौम परस्तों को जलावतनी में रहने वाले दूसरे यूनानियों की हिमायत हासिल हुई और बहुत से मगरबी यूरोपी बाशिंदों से भी जिनको कदीम लोगों से हमदर्दी थी यूनानी सकाफत शायरों और फनकारों ने यूनान को गहवारा के तौर पर सराहा यूरोपी तहजीब और उसकी हिमायत के लिए अवामी राय को मुतहरिक किया एक मुस्लिम सल्तनत के खिलाफ जदोजहद अंग्रेजी शायर लॉर्ड बायरन मुनज्म फंस और बाद में जंग में लड़ने गए जहां उनकी मौत हो गई एक में बुखार आखिरकार एक हज़ार आठ सौ बत्तीस का कुतुमतनिया का माह यूनान को एक आजाद कौम के तौर पर तस्लीम किया तीन एक रोमांटिक तखील और कौमी एहसास कौम परस्ती की तरक्की सिर्फ इसके जरिए नहीं हुई जंगे और इलाकई तोसी सकात ने एक अहम किरदार अदा किया कौम का ख्याल पैदा करना आर्ट और शायरी कहानियाँ और मौसीकॉम परस्त जज्बात के इजहार और तश्कील देने में मदद की आइए हम रोमानवियत एक सकाफती तहरीक को देखें जिसने कोशिश की कॉम परस्त जज्बात की एक ख़ास शक्ल तैयार करें रोमांटिक फ़नकार और शायरों ने आम तौर पर वजह और साइंस की तस्वीर पर तनकीद की और उसके बजाय जज्बात बदेही और सूफियाना जज्बात पर तवज्जो मरकूज की उनकी कोशिश मुश्तरक इज्तमी वर्से का एहसास पैदा करना थी एक मुश्तरकाफती माजी एक कॉम की बुनियाद के तौर पर जर्मन फ़लसफ़ी जोहन गोटफ्राड जैसे दूसरे रोमांटिक हर्डर एक सात चार चार एक आठ सिफर तीन जिन्हें दावा किया कि हकीीकी जर्मन सकाफत होना था आम लोगों में दरियाफ्त किया गया दासविल ये गुजर रहा था लोकगीत लोक शायरी और लोक रक़ जो हकीकी रूहैन कौम मकबूल थी लिहाजा उनको जमा और रिकॉर्ड करना कौम की तमीर के मनसूबे के लिए लोक सकाफ़त की शक्लें ज़रूरी थी मकामी ज़बान पर जोर और मकामी जमा करने पर लोक दास्तान सिर्फ़ एक कदीम कौमी रू की बाजियाबी के लिए नहीं थी बल्कि ये भी था जदीद कौम परस्त पैगाम को बड़े सामीन के पास ले जाएं, जो थे ज्यादातर नाखानदा पोलैंड के मामले में ये खास तौर पर ऐसा ही था जो अट्ठारहवीं सदी के आखिर तक तकसीम किया गया था अजीम ताकतें रोस पर्शिया और ऑस्ट्रिया अगरचे पोलैंड नहीं है एक आजाद इलाके की हैसियत से तवील अरसे मौजूद कौमी जज्बात को बरकरार रखा गया मौसीकीबान के जरिए जिंदा मिसाल के तौर पर कैरोल कोरपिंसिकी अपने ओपेरा और मौसकी के ज़रिए कौमी जिदोजहद मनाई मोड़ रही है कॉम परस्त अमतों में पोलोनीज़ और मजूर का जैसे लोक रक़ कॉम परस्त तरक्की में भी जबान ने एक अहम किरदार अदा किया जज्बात रूसी कब्ज़े के बाद पोलिश जबान पर मजबूर किया गया स्कूलों से बाहर और रूसी जबान को हर जगह मुसलत किया गया था एक हज़ार आठ सौ इकतीस में रूसी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ मुसलह बगावत हुई जो अमल में आई थी बिलाख़िर कुचल दिया गया इसके बाद पागरियों के बहुत से मम्बरान पोलैंड में ज़बान को क़ौमी मुज़ात के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया पोलिश चर्च के अज्जमात और तमाम मज़हबी हिदायात के लिए इस्तेमाल होता था इसके नतीजे मैं बड़ी तादाद में पुजारियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया था रूसी हुक्म ने साइबेरिया को उनकी सज़ा के तौर पर भेजा रूसी ज़बान में तब्लीग करने से इनकार पोलैंड के इस्तेमाल को बतौर बतौर देखा गया रूसी तसल्लुत के खिलाफ जिदोजहद अलामत तीन दो भूख मशक्क़त और मकबूल इनकलाब एक हजार आठ सौ तीस की दहाई यूरोप में बरसों की बड़ी माशी मुश्किल थी उन्नीसवीं सदी के पहले निसफ हिस्से में बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया पूरे यूरोप में आबादी ज्यादातर ममालिक में और भी थे मुलाजमत से ज्यादा मुलाजमतों के मुतलाशी, देही इलाकों से आबादी भीड़ भरी कच्ची आबादियों में रहने के लिए शहरों में हिजरत की छोटे प्रोड्यूसर शहरों में अक्सर उनकी दरामद से सख्त मुकाबला का सामना करना पड़ता था इंग्लैंड से सस्ती मशीन से तैयार सामान जहाँ सनतीकारी है बर्रे आजम के मुकाबले में ज्यादा तरक्की याफ्ता था यह खास तौर पर इसमें था टेक्सटाइल की पैदावार जो बुनियादी तौर पर घरों और छोटे में की गई थी वर्कशॉप्स और सिर्फ जिज्वी तौर पर मैकानाइज्ड थीं इन इलाकों में यूरोप जहां अश्राफिया ने अब भी इकतदार से लुत्फ अंदोज हुए किसानों ने जिदोजहद की जागीरदाराना वाजिबात और जिम्मेदारियों के बोझ के तहत खाने का उरूज कीमतों आ खराब फसल के एक साल के नतीजे में बड़े पैमाने पर पॉपरिज्म पैदा हुआ कस्बा और मुल्क साल एक हजार आठ सौ अड़तालीस इसी साल एक था खुराक की किल्लत और वसी पैमाने पर बे रोजगारी ने पेरिस की आबादी को सड़कों पर बाहर लाया रुकावटें खड़ी कर दी गईं और लुइस फिलिप फरार होने पर मजबूर हो गए ए कौमी असम्बली ने एक जमहूरिया का ऐलान किया सबको तकलीफ दी बालग मर्द इक्कीस से ज्यादा और काम करने के हक की जमानत देते हैं कौमी रोजगार की फराहमी के लिए वर्कशॉप्स का कयाम अमल में लाया गया था इससे कबल एक हजार आठ सौ पैंतालीस में सेलिसिया में वीवर ने ठेकेदारों के खिलाफ बगावत की क्यादत की थी जिसने उन्हें खाम माल फराहम किया और उन्हें ख़त्म करने के अहकाम दिए टेक्सटाइल लेकिन उनकी अदायगियों में ज़बरदस्त कमी वाक हुई सहाफ़ी विलहल वुल्फ ने सेलिशैन गांव में होने वाले वाकयात को मुंदरजा ज़ैल करार दिया है इन देहात में अट्ठारह सिफर 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 बाशिंदों के साथ कपास की बनाई है सबसे ज़्यादा वसी कब्ज़ा कारकुनों की तकलीफ है इंतहाई मुलाजमतों की अशद ज़रूरत को फ़ायदा उठाया गया है ठेकेदारों के जरिया इन सामान की कीमतों को कम करने के लिए ऑर्डर चार जून को शाम दो बजे व्यवर्स का एक बहुत बड़ा हुजूम सामने आया उनके घर और जोड़े में उनकी हवेली तक मार्च किया ठेकेदार ज़्यादा उजरत का मुतालबा करता है उनके साथ सलूक किया गया बारी बारी तानाज़नी और धमकियां इसके बाद इनमें से एक ग्रुप घर में जाने पर मजबूर इसकी खूबसूरत विंडो पेन फर्नीचर चीनी मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया एक और ग्रुप टूट गया स्टोर हाउस और उसे कपड़े की फ़राहमी में लूट लिया जो वो करते हैं फाड़ना ठेकेदार अपने कुंबे के साथ भाग कर भाग गया हमसाया गांव जिसने ताहम इस तरह के पना देने से इनकार कर दिया शख्स वो चौबीस घंटे बाद फ़ौज का मुतालबा करने के बाद वापस आया इसके बाद के तबादले में ग्यारह वीवर्स को गोली मार दी गई तीन अशारिया तीन एक हज़ार आठ सौ अड़तालीस लिबरल्स का इनकलाब गरीब बेरोज़गार और फ़ाका कशी करने वाले किसानों के बगावतों के मुतवाज़ी और साल एक में बहुत से यूरोपी ममालिक में कर्कुनान एक इनकलाब तालीम याफ़्ता मुतवसत तबके की सरबराही जारी है फरवरी के वाकयात एक हज़ार आठ सौ अड़तालीस में फ़्रांस में बादशाह का ख़ात्मा हुआ था और आफाकी मर्द के शिकार पर मबनी जमहूरिया का ऐलान किया गया था यूरोप के दूसरे हिस्सों में जहां आज़ाद कौमी रियासतें नहीं थीं अभी तक मौजूद है जैसे जर्मनी इटली पोलैंड ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत लिबरल मुतवस्त तबके के मर्द और ख़्वातिन मुश्तरक हैं कौमी इतिहाद के साथ आइनी के लिए इनके मुतालबात वो बढ़ती हुई मकबूल बदमनी का फ़ायदा उठाते हुए इनको आगे बढ़ाया पार्लियामेंट में कौमी रियासत के क्याम के मुतालबात उस एक आइन आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी अंजुमन की जर्मन इलाकों में बड़ी तादाद में सियासी अंजुमने जिनकी मंबर दरमियाने तबके के पेशावर अफ़रा ताजर और थे खुशहाल कारीगर फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठे हुए और फैसला किया एक जर्मन कौमी असेंबली को वोट देना 18 मई 1848 को 831 सौ इकतीस मुंतखब नुमाइंदों ने लेने के लिए एक त्यौहार के जुलूस में मार्च किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उनके मकाम चर्च ऑफ चर्च में बुलाए गए थे पाल उन्होंने एक जर्मन कौम के बनने के लिए एक आइन तैयार किया एक बादशाह की सरबराही में पार्लियामेंट के ताबे जब नाइबीन इन शराइत पर ताज की पेशकश फ्रेडरिक वहल चाहरुम किंग ऑफ किंग को की गई पर्शिया उसने इसे मुस्तरद कर दिया और दूसरे बादशाहों के साथ मुखालफत करने के लिए शामिल हुए मुंतखब असम्बली अगरचे अशराफिया और फौज की मुखालफत मज़बूत हो गया पार्लियामेंट की माशरती बुनियाद खत्म हो गई पार्लियामेंट पर मुतवसत तबके का ग़लबा था जिन्होंने मुजामत की कारकुनों और कारीगरों के मुतालबात और उसके नतीजे में उनकी हमायत से महरूम हो गए आखिर में फौजियों को बुलाया गया और असेंबली को मजबूर किया गया खत्म करना खातन को सियासी हकूक में तोसी का मसला एक मुतनाज़ था एक लिबरल तहरीक के अंदर जिसमें खौतान की बड़ी तादाद पिछले कई सालों में फाल तौर पर हिस्सा लिया था खतान ने अपनी तश्कील दी थी अपनी सियासी अनजुमने अखबार की बुनियाद रखी और हिस्सा लिया सियासी मुलाकातें और मुजाह इसके बावजूद उनकी तरदीद की गई खुवान के लिए आज़ादी और मसावत कैसे थे तरीफ की जाए लिबरल सियासतदान कॉलवेल कर एक मंतखब फ्रेंकफर्ट पार्लियामेंट के मेम्बर का इजहार किया गया मुंदरजा झेल ख्याल फितरत ने मर्द और ख़्वान को ले जाने के लाम क्रिएटिव तश्कील दिया है मुख्तलिफाल से बाहर इंसान मज़बूत दोनों के जरतमंदाना और आज़ाद को नामजद किया गया है कुंबा के मुहाफ़ की हैसियत से इसके फ्राहम कुनिंदा का मतलब है कानून पैदावार के डोमेन में अवामी काम और दिफा औरत कमज़ोर मुनहसर और डरपोक इंसान के तहफ की जरूरत है इसका दायरा घर है बच्चों की देखभाल कुंबा की परवरिश क्या हमें किसी की जरूरत है मजीद सबूत जो इस तरह के अख्तलाफा मसावत को देखते हैं जिनसों के माबैन सिर्फ खतरे में पड़ जाएगा हम आहंगी और कुंबा के वक़ार को खत्म करें लुइस ओटो पीटर्स एक हज़ार आठ सौ उन्नीस पचानवे से एक सियासी था कारकुन जिसने खुवातिन का जरीदा और कायम किया बाद में एक निसाई सियासी अंजुमन इसके अखबार का पहला शुमारा इक्कीस अप्रैल एक हज़ार आठ सौ उनचास मुंदरजा जैल इदारती आइए हम पूछें कि कितने मर्द जिनके पास मौजूद हैं आज़ादी की खातिर जिंदा और मरने के ख्याल आज़ादी की जंग के लिए तैयार होगा तमाम इंसानों के पूरे लोग जब इस सवाल से पूछा वो सब बहुत आसानी से हो जाएंगे हा के साथ जवाब दें अगरचे उनकी अनथक कोशिशों का मकसद सिर्फ एक के फायदे के लिए है निस्फ इंसानियत और मर्द लेकिन लिबर्टी नाकाबिल तकसीम है लिहाजा आजाद मर्दों को बर्दाश्त करना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए गैर आज़ाद से घिरा हुआ इसी अखबार का एक गुमनाम कारी मुंदरजा खत 25 जून को एडिटर को भेजा गया 1850 हज़ार इनकार करना वाकई मुजहका खेज और माकूल है ख़्वान सियासी हकूक अगरचे वो लुफ़ानंदोज होते हैं जायदाद का हक जो वो इस्तेमाल करते हैं के वो काम अंजाम देते हैं और फ़र्ज करते हैं ताहम ज़िम्मेदारियां हासिल किए बग़ैर फ़वाद जो मर्दों के लिए एक जैसे हैं क्यों ये नाइंसाफ़ी क्या ये बदनामी नहीं है बेवकूफ़ मवेशियों का हरडर का हक़ है वोट डालना सिर्फ इस वजह से के वो कि वो आदमी है जबकि इंतहाई बाहियत ख़्वातिन काफ़ी हद तक मलकियत में है जायदाद को इस हक़ से ख़ारिज कर दिया गया है यहां तक कि अगरचे वो इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा डालते हैं रियासत की देखभाल असम्बली के इन्त के दौरान हकूक़ के हकूक़ जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चर्च ऑफ सैनेटपाल ख़्वातिन में तलब की गई ज़ायरीन गैलरी में खड़े होने के लिए सिर्फ़ मुबसरीन की हैसियत से दाखिला लिया गया था अगरचे क़दामत पसंद क़वतें लिबरल तहरीकों को दबाने में कामयाब थीं एक हज़ार आठ सौ अड़तालीस में वो पुराने ऑर्डर को बहाल नहीं कर सके बादशाह थे ये समझने के लिए कि इनकलाब और जबर के चक्कर लग सकते हैं सिर्फ़ लिबरल कौम परस्त को मुराद देकर ही ख़त्म किया जाए इनकलाबी लिहाजा एक हज़ार आठ सौ अड़तालीस के बाद के सालों में ख़ुद मुख्तार वस्ती और मशरकी यूरोप की बादशाह मुतारफ़ करवाना शुरू हो गई वो तब्दीलियां जो एक हज़ार आठ सौ पंद्रह से पहले ही मग़रबी यूरोप में रूनुमा हो चुकी हैं इस तरह डोम और बॉन्डेड लेबर दोनों को ख़त्म कर दिया गया हीबसबर्ग का ग़लबा और रोस में हीबसबर्ग हुक्मरानों ने अता किया एक हज़ार आठ सौ सड़सठ में हुनगरियों को मजीद मुख़्तारी जर्मनी और इटली की तश्कील चार एक जर्मनी क्या फ़ौज किसी कौम का म्यामार हो सकती है एक हज़ार आठ सौ अड़तालीस के बाद यूरोप में कौम परस्ती अपनी अंजुमन से दूर हो गई जमहूरियत और इऩलाब के साथ कौम परस्त जज्बात अक्सर होते थे रियासती ताक़त को फ़र देने और हासिल करने के लिए कदमत पसंदों के जरिया मु यूरोप पर सियासी तसलुत इस अमल में ये मुशाहिदा किया जा सकता है जिसके जरिया जर्मनी और इटली आए थे कौमी रियासतों की हैसियत से मुतहद होना जैसा कि अपने देखा है कौम परस्त एहसास थे दरमियाने तबके के जर्मनों में बड़े पैमाने पर जिन्होंने एक में متحد होने की कोशिश की जर्मनी के कन्फ़ीडरेशन के मुख्तलिफ़ ख़ते कौमी रियासत में दाखिल हुए मुंतब पार्लियामेंट के जेर अकतदार कौम की तामीर के लिए ये लिबरल अकदाम ताहम बादशाहत और मुश्तरक़ुतों ने इसे दबाया था फौज जिसकी हमायत परशिया के बड़े जमींदारों जिसे जनकरस कहा जाता है किन्नीकी तब से परशिया ने इस तहरीक की क़ियादत का आगाज किया कौमी इतिहाद इसके वजीआला ओटोवान बस्मार्क इस अमल का म्यामार था पर्शियन फ़ौज और की मदद से बाहर ब्यूरोसी सात सालों में तीन जंगें के साथ ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस पर्शियन में ख़त्म हुआ फतह और इतिहाद का अमल मुकम्मल किया जनवरी एक में पर्शियन बादशाह विलियम अव्वल एक तकरीब में जर्मन शहनशाह का ऐलान किया गया था वर्सल्स में मुनदद हुआ 18 जनवरी 1871 की सर्द सुबह एक असेंबली जिसमें शहजादे शामिल हैं जर्मन रियासतें फौज के नुमाइंदे अहम पर्शियन वजरा जिनमें चीफ शामिल हैं वजीर ओटो ओटोवान बिस्मार्क जमा हुए महल वर्सल्स में आइना का गैर गर्म हाल नई जर्मन सल्तनत का ऐलान करने के लिए पर्शिया के कैसर विलियम अव्वल के जरिया जर्मनी में मुल्क साजी का अमल था पर्शियन रियासत के तसल्लुका मुजाहरा किया ताकत नई रियासत ने एक मज़बूत जोर दिया करेंसी बैनकारी कानूनी को जदीद बनाने पर और जर्मनी में अदालती निज़ाम पर्शियन इकदाम और तरीककार अक्सर के लिए एक मॉडल बन जाते हैं बाकी जर्मनी चार अशारिया दो इटली मुतहद जर्मनी की तरह इटली में भी सियासी टुकड़े होने की एक लंबी तारीख़ थी इतालवी मुत शाही रियासतों के साथ साथ बिखरे हुए थे कसीर कौमी हिबस सल्तनत वस्त के दौरान उन्नीसवीं सदी में इटली को सात रियासतों में तकसीम किया गया था जिनमें से सिर्फ़ एक सरडेनिया पेडमोन्ट पर इतालवी शाही घर हुक्मरानी करता था शुमाल ऑस्ट्रिया के हिबसबर्ग के मातहत था इस मरकज़ पर हुक्मरानी थी पोप और जुनूबी ख़त्े तसलुत के तहत थे स्पेन के बॉर्बन बादशाहों का यहां तक के अतालवी जबान भी थी एक मुशतरका शक्ल हासिल नहीं की और फिर भी बहुत से इलाकई और अब भी थे मकामी तगैरात एक हज़ार आठ सौ तीस की दहाई के दौरान जियोसिपी मजनी ने एक साथ रखने की कोशिश की थी एक यकजहती इतालवी जमहूरिया के लिए मरबूत प्रोग्राम इसके पास भी था यंग इटली के नाम से एक खुफिया सोसाइटी तश्ल दी जिसके फैलाव के लिए इसने एक खुफिया सोसाइटी तश्ल दी इसके अहदाफ एक हजार आठ सौ इकतीस और दोनों में इनकलाबी बगावत की नाकामी एक हजार आठ सौ अड़तालीस का मतलब यह था कि यह मेंटल अब सरडेनिया पेडमोन्ट के तहत गिर गया है इसके हुक्मरान किंग विक्टर इमानुएल दुवम इतालवी रियासतों को मुतहद करने के लिए जंग इस खत्ते के हुक्मरान तबका की नज़र में एक मतहद इटली ने उन्हें माशी तरक्की और इम्कान की पेशकश की सियासी गलबा आला की ओर जिन्होंने खत्ते को मुतहद करने की तहरीक की क़्यादत की इटली का ना तो इनकलाबी था और ना ही डेमोक्रेट बहुत से लोगों की तरह इतालवी अशराफिया के दूसरे दौलतमंद और तालीम याफ़्त मम्बरान उन्होंने बात की फ्रांसीसी इससे कहीं बेहतर है कि इसने इतालवी किया था एक तदबीर सफारती सिफारती के ज़रिए फ़्रांस के साथ इतिहाद की ओर सॉडीन ये पेडमोंट के जरिया इंजीनियर एक में ऑस्ट्रिया की अफ़वाज को शिकस्त देने में कामयाब हुआ बाकायदगी के अलावा फ़ौज बड़ी तादाद में मुसल्ला रज़ाकारों की क़़्यादत में जियोसिपी गेरबल्दी मैदान में शामिल हुए 1860 में उन्होंने जुनूब की तरफ मार्च किया इटली और दो सिसिलोहे की बादशाही और जीतने में कामयाब हो गई हस्पानवी को बाहर निकालने के लिए मकामी किसानों की हिमायत हुक्मरान 1861 में विक्टर इमानुएल दुवम को मुतहदा का बादशाह करार दिया गया इटली ताहम इतालवी आबादी का बेशतर हिस्सा जिनमें शराह है नाखानदगी बहुत ज्यादा थी लिबरल कॉम परस्त नजरिया से बेशर्मी से बेखबर रही किसान अवाम जिन्होंने गिरबल्दी की हिमायत की थी जुनूबी इटली में इटली के बारे में कभी नहीं सुना था और उस पर यकीन था कि अल्लाह तालिया विक्टर ईमानोएल की अहलिया थीं चार तीन बरतानिया का अजीब व गरीब मामला कौम आ कौमी रियासत का मॉडल कुछ स्कॉलर्स के पास है इस्तेदलाल किया बरतानिया बरतानिया में कौमी रियासत का क्याम अचानक हलचल आक़लाब का नतीजा नहीं था ये था तवील अरसे से तैयार करदा अमल का नतीजा कोई बरतानवी कौम नहीं थी अट्ठारहवीं सदी से पहले लोगों की बुनियादी शनाख्त जो बरतानवी जजीरे में आबाद थे वो नस्ली थे जैसे अंग्रेजी वेल्श स्काट आयरिश इन तमाम नस्ली ग्रोहों की अपनी सकाफती थी और सियासी रवायात लेकिन चूंकि अंग्रेजी कौम मुस्तकिल तौर पर बढ़ती गई दौलत अहमियत और ताकत वो अपने असर और रसूख को बढ़ाने में कामयाब रही जजीरों की दूसरी कौमों पर अंग्रेजी पार्लियामेंट जो एक छः आठ आठ में बादशाहत से इकतदार पर कब्जा कर लिया था तवील तनाज़ा वो आला था जिसके जरिए एक कौमी रियासत इंग्लैंड के साथ इसके मरकज में जाली बनाया गया यून का एक्ट एक हज़ार सात सौ सात इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के माबैन जिसके नतीजे में तश्कील हुआ बर्तानिया के बरतानिया का मतलब दर हकीकत यह था इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना असर मुसलत करने में कामयाब रहा बरतानवी इसके बाद पार्लियामेंट पर इसके अंग्रेजी मेंबरों का गलबा था बरतानवी शनाख्त की नशोनुमा का मतलब यह था कि स्कॉटलैंड की मखसूस सकाफत और सियासी इदारों को मुनज़म तरीके से दबाया गया कैथोलिक स्काटिश हालैंडस में आबाद कबीलों को खौफनाक जबर का सामना करना पड़ा जब भी उन्होंने अपनी आज़ादी पर जोर देने की कोशिश की स्काटिश पहाड़ियों को अपनी गीलुक जबान बोलने से मना किया गया था उनका कौमी लिबास पहने और बड़ी तादाद ज़बरदस्ती चलाई गई अपने वतन से बाहर आयरलैंड को भी इसी तरह की तकदीर का सामना करना पड़ा ये एक ऐसा मुल्क था जिसकी गहराई से तकसीम हुआ था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान अंग्रेज़ों ने प्रोटेस्टेंट की मदद की आयरलैंड का एक बड़े पैमाने पर कैथोलिक मुख पर अपना तसल्लुत कायम करना बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ कैथोलिक बगावतों को दबा दिया गया एक के बाद वोल्फ टोन और उनके यूनाइटेड आयरिशियन एक की सरबराही में नाकाम बगावत आयरलैंड को जबरदस्ती एक एक में बरतानिया में शामिल किया गया था एक नई बरतानवी कौम को प्रोपेगेंडा करने के जरिया जाली बनाया गया था गालिब अंग्रेजी सकाफत नए बरतानिया की अलामतें बरतानवी परचम यूनियन, जैक कौमी तराना खुदा हमारे नोबल को बचाए किंग अंग्रेज़ी ज़बान को फ़ाल तौर पर फ़रोग दिया गया था और उससे ज़्यादा उम्र कौमें सिर्फ इस यूनियन में मातहत शराकत दार की हैसियत से ज़िंदा बच गईं बाक्स दो जियोसिफी गिरबलि एक हज़ार आठ सौ सात बयासी वे। शायद है इतालवी आज़ादी के जंगजु में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है वो साहली तजारत में मसरूफ़ एक ख़ानदान से आया था और मर्चेंट नीवी में नाख्त था 1833 में वो माजीनी से मिला यंग इटली की तहरीक में शामिल हुआ और जमहूरिया बगावत में हिस्सा लिया पेडमोंट एक में बगावत को दबा दिया गया और गिरबल्दी को जनूबी अमेरिका फरार होना पड़ा जहां वो एक तक जलावतनी में रहा एक हजार में उसने हिमायत की विक्टर ईमानोल दुबम को मुतहद करने की कोशिशों में इतालवी रियासतें 1860 में गेरबल्दी ने मशहूर की क्यादत की जुनूबी इटली में हज़ार की मुहिम ताज़ा ताज़ा रजाकारों के दौरान शामिल होते रहे मुहिम यहां तक कि उनकी तादाद में इजाफा हुआ तीस सिफर 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 वो मशहूर तौर पर रेड के नाम से जाना जाता था शर्ट्स एक में गेरबल्दी ने रजाकारों की फौज की क्यादत की रोम इतिहाद की आखिरी रुकावट से लड़ने के लिए इटली की पॉपल रियासतें जहां एक फ्रांसीसी दस्ता है तैनात था रेड शर्ट्स कोई साबित नहीं हुई मुश्तरका फ्रांसीसी और पॉपिल फौजियों के लिए मैच ये सिर्फ एक में था जब जंग के दौरान पर्शिया फ्रांस ने रोम से अपनी फौज वापस ले ली के आखिरकार पॉपिल रियासतों में शामिल हो गया टिटली पांच कौम का तस्वुर करना अगरचे पोर्ट्रेट या किसी के जरिया हुक्मरान की नुमाइंदगी करना काफी आसान है मुजस्मा कोई कौम को चेहरा देने के बारे में कैसे जाता है आर्टिस्ट्स में 18वीं और 19वीं सदी में एक रास्ता मालूम हुआ किसी कौम को शख्सी बनाना दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने बतौर मुल्क नुमाइंदगी की अगर ये शख्स होता इसके बाद अकवाम मुतदा को ख़वात के अदाद शुमार के तौर पर पेश किया गया वो ख़्वात फॉर्म जो कॉम को शख्सी बनाने के लिए मंतखब किया गया था वो नहीं था हकीक़ी ज़िंदगी में किसी ख़ास औरत के लिए खड़े हों बल्कि इसने देने की कोशिश की कॉम का खुलासा ख्याल एक ठोस शक्ल है यानी लड़की अदादोशुमार कौम का एक बैत बन गए आपको याद होगा कि फ़्रांसी इनकलाब के दौरान फनकारों ने इस्तेमाल किया लिबर्टी जस्टिस और ख्यालत की तस्वीर कशी करने के लिए ख़्वातन की वफ़ादारी जमहूरिया इन नज़रियात की नुमाइंदगी मखसूस अशिया अ के ज़रिया की गई थी अलामतें जैसा कि आपको याद होगा लिबर्टी की सिफाती है सुरख टोपी अ टूटी हुई जंजीर जबकि इंसाफ आमतौर पर आंखों पर पट्टी है वजन के तराजू की एक जोड़ी ले जाने वाली औरत उन्नीसवीं में फनकारों ने भी इसी तरह की खातिन की कहानियों की ईजाद की थी सदी कौम की नुमाइंदगी करने के लिए फ़्रांस में इसकी तारीख थी मारियान एक मशहूर ईसाई नाम जिसने एक खयाल के खयाल पर रोशनी डाली लोगों की कौम इसकी खसूसियात लिबर्टी से खींची गईं और जमहूरियात सुरख टोपी तरंगा काकड मुजस्मे मारियान को अवाम की याद दिलाने के लिए अवामी चौकों में खड़ा किया गया था इतिहाद की कौमी अलामत और उनकी शनाख्त के लिए राजी करने के लिए ये मारियान की तस्वीर को सक्कों और डॉक टिकटों पर निशान जद किया गया था इसी तरह जर्मन ये जर्मन कौम की वफादारी बन गया में बसरी नुमाइंदगी जर्मनी बलूत के पत्तों का ताज पहनता है जैसा कि जर्मन बलूत बहादुरी का मतलब है नए अल्फाज लीगोरी जब एक तजरीदी ख्याल मिसाल के तौर पर लालच हसद आजादी आजादी का इजहार किसी शख्स या किसी चीज के जरिया किया जाता है एक तख्यूलाती कहानी के दो मानी है एक लफ्जी और एक अलामती बॉक्स तीन अलामतों के मानी नुमाया करें टूटी हुई जंजीरें आजाद हो रही हैं जर्मन सल्तनत ताकत के ईगल अलामत के साथ ब्रेस्ट पलेट बलूत का वली अहद हिरोजम छोड़ देता है लड़ने के लिए तलवार की तैयारी अमन कायम करने के लिए तलवार के गर्द जैतून की शाख एक हजार आठ सौ अड़तालीस में लिबरल कौम परस्तों का सिया सुरख और सोने का तरंगा परचम ड्योक्स ऑफ ड्योक्स के जरिया पाबंदी आयद जर्मन रियासतें बढ़ते हुए सूरज की करने एक नए दौर की शुरुआत छः कौम परस्ती और साम्राज्य उन्नीसवीं सदी की आखिरी से माहि तक कॉम परस्ती अब मजीद नहीं रही पहले हाफ के अपने मिसाली लिबरल जमहूरी जज्बात को बरकरार रखा सदी का लेकिन महदूद सरों के साथ एक तंग मसलक बन गया दौरान इस दौर में कौम परस्त गिरोहर एक की तेज़ी से अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए दूसरा और कभी भी जंग में जाने के लिए तैयार है बड़ी यूरोपी ताक़तें मैं मोड़ मोज़ू के लोगों की कौम परस्त उमंगों को जोड़ तोड़ यूरोप में अपने साम्राज्य मकासद को आगे बढ़ाना एक हज़ार आठ सौ इकहत्तर के बाद यूरोप में कौम परस्त तनाव का सबसे संगीन ज़रिया वो इलाका था जिसे बुलकान कहा जाता था बुल्कान का एक ख़त्ता था जदीद दौर के रोमानिया पर मुश्तमिल जोग्राफ़ियाई और नस्ली तगैयर बल्गारिया अल्बानिया यूनान मकदूनिया क्रोशिया बोस्निया हर्जी गवीना सिलोवेनिया सर्बिया और मोंटी नीग्रोजिन के बाशिंदे बड़े पैमाने पर थे सिलो के नाम से जाना जाता है बुलकान का एक बड़ा हिस्सा ज़ेर कन्ट्रोल था सल्तनत उस्मानिया की रोमांटिक के نظریات کا پھیلاؤ بلکان میں قوم پرستی کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ सल्तनत ओस्मानिया ने इस खत्े को बहुत धमाका खेज बनाया सबके जरिए उन्नीसवीं सदी में सल्तनत ओस्मानिया ने मज़बूत बनाने की कोशिश की थी खुद जदीदकारी और दाखिली असलाहत के जरिए लेकिन बहुत के साथ थोड़ी कामयाबी एक एक करके इसकी यूरोपी मजामीन की कौमियतें टूट गईं इसके कंट्रोल से दूर और आज़ादी का ऐलान किया बुलकान लोगों ने आज़ादी या सियासी हकूक के अपने दावों की बुनियाद पर कौमियत और तारीख को ये साबित करने के लिए इस्तेमाल किया कि वो एक बार थे आज़ाद लेकिन इसके बाद ग़ैर मुल्की ने महकूम कर दिया था इख्तियारत लिहाजा बुल्कान में बागी कौमियतों के बारे में सोचा उनकी जिदोजहद उनकी तवील तरीन आज़ादी को जीतने की कोशिश के तौर पर चूंकि मुख्तलिफ सलावी कौमियतों ने अपनी शनाख्त की वजाहत के लिए जिदोजहद की और आज़ादी बुलकान का इलाका शदीद तनाज़ का इलाका बन गया बुलकान की रियासतें एक दूसरे से शदीद रश करती थीं और हर एक ने उम्मीद की थी दूसरों की कीमत पर मज़ीद इलाक़ा हासिल करना मामलात थे मज़ीद पेचीदा क्योंकि बुलकान भी मंजर बन गया ताकत की बड़ी दुश्मनी इस अरसे के दौरान इसमें शदीद दुश्मनी थी तजारत और कॉलोनियों के साथ साथ बहरी और यूरोपीय इख्तियारत फ़ौजी ताकत ये दुश्मनी बुलकान के रास्ते में बहुत वाजे थी मसला खुल गया हर ताकत रोस जर्मनी इंग्लैंड ऑस्ट्रिया हनरी दीगर ताक़तों के इनका मुकाबला करने के ख़्वा थे बुलकान पर और इस इलाक़े पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है ये ख़त्ते और आख़िरकार पहली जंग अज़ीम में कई जंगों का बाइस बनी कौम परस्ती साम्राज्य के साथ मुंसलिक एक में यूरोप को तबाही का बाइस बनी लेकिन इस दौरान दुनिया के बहुत से जो थे उन्नीसवीं सदी में यूरोपी ताक़तों के ज़रिए नवाबादयाती आगाज़ हुआ शाही तसल्लुत की मुखालफ़त करना साम्राज्य मुखालफ तहरीकें हर जगह तरक्याफ़्ता कौम परस्त थे इस लिहाज से के वह सब आज़ाद कौमी रियासतों की तशकील के लिए जिदोजहद की और इससे मुतासर हुए इज्तिमाहीद का एहसास महाज आर आई में जाली साम्राज्य कौम परस्ती के यूरोपी ख्याल कहीं नहीं थे नकल तैयार किया गया हर जगह लोगों ने अपनी मखसूस कस्म तैयार की कौम परस्ती की लेकिन यह ख्याल के माशरों को मनजम किया जाना चाहिए नेशन स्टेटस कुदरती और आफाकी के तौर पर कबूल किया गया मुख्तसर लिखी एक एक नोट लिखी अलिफ गोसीप माजिनी, बे काउंट की मिलोडी की ओर जीम आजादी की यूनानी जंग डी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ई कॉम परस्त जिदोजहद में खातन का किरदार दो एहसास पैदा करने के लिए फ्रांसीसी इनकलाबियों ने किया इकदाम उठाए फ्रांसीसी आवाम में शनाख्त तीन मारियान और जर्मनी कौन थे रा की क्या अहमियत थी जिनकी उन्हें तस्वीर कशी की गई थी चार मुख्तसर तौर पर जर्मन इतिहाद के अमल का सुराग लगाएं पांच नपोलियन ने किया तब्दीलियां मुतारफ़ करवाईं बहस प्रोजेक्ट एक वजाहत करें कि लिबरल्स के एक हज़ार आठ सौ अड़तालीस के, के इनकलाब से किया मुराद है सियासी माशरती किया थे और माशी नज़रियात लिबरल्स की हिमायत करते हैं दो कौम परस्ती की तरक्की में सकाफ़त की शराकत को ज़ाहिर करने के लिए तीन मिसालों का इंतख्य करें यूरोप में तीन किसी भी दो ममालिक पर तवज्जो मरकूज करते हुए वजाहत करें कि उन्नीसवीं के दौरान